नमस्कार दोस्तों, नेपाल में एक चीज है जिसको आप सभी कहीं ना कहीं मानते जरूर होंगे कि इसकी वजह से नेपाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो आज जानते हैं कि नेपाल के अंदर कितनी करप्शन होती है। पूरी वर्ल्ड की एक लिस्ट आई है जिसमें काफी सारी कंट्री उसका नाम बताया जाता है कि कौन सी कंट्री कहां पर रैंक कर रही है और उसमें कितना ज्यादा करप्शन किया जाता है। रिपोर्ट देखेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल में कितनी ज्यादा करप्शन हो रही है और इस करप्शन से नेपाल को कितना नुकसान हो सकता है। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि नेपाल कौन से नंबर पे है। नमस्कार दोस्तों, नेपाल में एक चीज है जिसको आप सभी कहीं ना कहीं मानते जरूर होंगे कि इसकी वजह से नेपाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है और वो चीज है करप्शन। और इसी को लेकर एक वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की जाती है जिसे कहा जाता है करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। और इसमें दुनिया की 180 देशों की रैंकिंग की जाती है और इन 180 देशों में नेपाल की रैंक आई है 110, जो कि काफी निराशा करने वाली है। इसका मतलब यही है कि नेपाल में करप्शन काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी नेपाल ने 2021 की पुरानी रैंकिंग जो कि 117 पोजीशन थी उससे अपने आप को इम्प्रूव किया है और नेपाल 110 पोजीशन पर 2023 में इस रैंकिंग में ग्लोबली रैंक करता है। तो नेपाल का एक स्लाइटली इम्प्रूवमेंट देखा गया करप्शन में, वो शायद धीरे धीरे करके हर आने वाले सालों में बेटर हो, लेकिन फिर भी नेपाल काफी ज्यादा पीछे है इन रैंकिंग्स में। आपको बता दें कि साउथ एशियन की और कंट्रीज कितनी रैंक होल्ड करती हैं, जो कि नेपाल के आसपास की कंट्रीज हैं। नेपाल के आसपास की सबसे अच्छी रैंकिंग भूटान की है। भूटान को जो पोजीशन मिली है वो 25 है, साथ साथ मालदीव की रैंक है 85 और इंडिया को भी 85th रैंक ही दी गई है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की रैंकिंग है 101 और ये सभी देश नेपाल से ज्यादा बेहतर रैंक करते हैं साउथ एशिया में। अब नेपाल से खराब रैंक करने वाले साउथ एशियन कंट्री है पाकिस्तान, जिसकी रैंक है 140। बांग्लादेश, इसकी रैंक है 147, यानी कि यहाँ पे और ज्यादा करप्शन है। साथ ही साथ फिर अफगानिस्तान का नंबर है जो कि 150th रैंक पे है और यहाँ पर काफी ज्यादा करप्शन है। तो ये थी कुछ हालिया हलचल जो कि वर्ल्ड सिनेरियो से नेपाल के लिए निकल कर आई थी। ये चीजें आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी हैं, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छी हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी नॉलेज के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा ले। धन्यवाद। देखिए, नेपाल 110वें नंबर पे है और नेपाल में सबसे ज्यादा करप्शन की जाती है। आपको पता है कि नेपाल में करप्शन की एक लहर जो है वो काफी ज्यादा है। करप्शन की लिस्ट कहां से स्टार्ट होती है? एक अब बात यहां पे ये आती है कि करप्शन वहां स्टार्ट होती है कि जहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पे जब लोग नहीं होते तो क्या करप्शन होते है यार? जाहिर सी बात है, एक ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, वो आपसे मांगेगा यार आपसे 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। आपने देखा होगा पुलिस वाले ही लेते हैं, अब तो पुलिस वाले यार कहां छोड़ते, 200-300 रुपए में काम जो है 100 रुपए ले। ये सारी चीजें करप्शन है। बढ़िया पे ये बात भी है कि करप्शन तब होती है जब माशरे में, जब आपके सराउंडिंग एरियाज में, आपके अराउंड में लोग आपके काम नहीं करते, उस पे गवर्नमेंट की नजर नहीं होती, गवर्नमेंट उस पे टेक ओवर नहीं करता। दूसरी बात, आपकी खुद की गवर्नमेंट जब करप्शन हो, करप्शन में उनका हाथ हो, तो वो दूसरे की करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डालता, तब तक आपकी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। मैं खुद अपनी कंट्री की बात करूं कि यहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है, बट एक बात मुझे माइंड में आती है कि इतनी ज्यादा गठबंधन वाली हुकूमत होती है तो उसमें यार करप्टेड पार्टीज भी होती है और वो कोशिश करती है कि अपनी करप्शन की केसेस माफ करवाए। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है, तो नेपाल भी अगली लिस्ट में हो सकता है।